संस्कृति में सबसे पुरानी है तथा हिमालय क्षेत्र इस संस्कृति का मुख्य केंद्र है। हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को संस्कृति का उद्गम स्थल माना जाता है और तीनों लोकों में इसे सबसे सुंदर भी कहा जाता है। ज्ञान गंगा मृतोदगमः त्रिलोकोत्तर सौंदर्यं भुवि भाति हिमाचल। 15वीं सदी में अकबर ने उत्तरी भारत के सभी राजाओं को दिल्ली में बुलाया था। महान सम्मेलन उपवन में बाहिर हुआ। सभी को सूर्य ताप ने सताया था। तत्काल बुशहर के राजा केहर सिंह जी ने अपने मन में अपने देवता बसारू जी को विनती से फरमाया था। उसी समय बरसा, जी हाँ दोस्तों, उसी समय बरसा देवता बसारू जी का चमत्कार। सूर्य को तो देवता जी ने बादलों से छुपाया था, बादलों से छुपाया। लेकिन दोस्तों, बावजूद उसके बाकी राजाओं के आग्रह पर राजा केहर सिंह जी के स्थान को छाया रहित स्थान के लिए बार बार बदलवाया था, बार बार बदलवाया था। जहां जहां वो सिंहासन रखवाया गया वहां वहां बादलों ने राजा जी को धूप से बचाया था, धूप से बचाया था। इसी बात पर घोषणा की, जी हाँ दोस्तों, इसी बात पर घोषणा की बादशाह अकबर ने। जरा गौर फरमाइएगा, हम हिमाचल वासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। हमारे बुशहर के राजा को, जी हाँ दोस्तों, हमारे बुशहर के राजा को सभी राजाओं के बीच महाप्रतापी राजा बतलाया था। मानव सफलता की शुरुआत की होती है एक सीढ़ी। मानव सफलता की शुरुआत की होती है एक सीढ़ी। राजा प्रद्युमन सिंह जी प्रथम राजा थे जिनकी थी बुशहर वंश की पहली पीढ़ी। आज हमारे बीच राजा वीरभद्र सिंह जी हैं। जी हाँ दोस्तों, राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, जो है इस वंश की 122वीं सीढ़ी, 122वीं सीढ़ी। जिसने पहचाना जीवन का मोल, जिसने पहचाना जीवन का मोल, जीवित रखा अपनी आन बान और शान को, संपूर्ण राष्ट्र की खातिर जीवन लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण राष्ट्र की खातिर जीवन लगा दिया। वीरभद्र सिंह कहते हैं उस इंसान को। कांग्रेस यस्य संघे चलति समाजे सदा, नाश्यति भ्रष्टाचारं च। कहावत तो सुनी ही होगी आप सबने, जो पुरुष अपने अथक प्रयासों से इतिहास के प्रभाव को मोड़ता है या उसे बदलता है वह युग पुरुष कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, युग पुरुष कहलाता है। वीरभद्र सिंह जी
ऐसे ही युग पुरुष एवं कर्म योगी हैं, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि और अपने प्रयासों से हिमाचल को नई राह दिखाई है। राजनीतिक स्वच्छ प्रशासन, सम्मान एवं संतुलित विकास एवं सामाजिक न्याय इसी महान नेता के संघर्ष की कहानी है। कुछ कहना चाहूंगी आप सभी से, व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है, ना कि ऊंचे स्थान पर बैठने से। इस वाक्य को सत्य करते हैं राजा वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने सरल, ईमानदार एवं परिश्रमी लोगों के समर्थन से प्रदेश को पिछड़ेपन से निकालकर एक विकसित राज्य की श्रेणी में ला खड़ा किया है और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को एक मूर्त रूप दे दिया है। मेरे मचले मेरी जानी शान निराली, जानी शान निराली, ए दुनिया नो कादा क्या गला, Don't compare your life with others. You even don't have any idea what their journey is all about. राजा वीरभद्र सिंह जी का जन्म 23 जून 1934 को शिमला जिले के सराहन में महाराजा पदम सिंह एवं महारानी शांति देवी के घर पर हुआ। अप्रैल 1947 में महाराजा पदम सिंह जी अपने जीवन काल के 74 वर्ष पूरे करने के पश्चात स्वर्ग सिधार गए। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही, जी हाँ दोस्तों, केवल 13 वर्ष की आयु में ही राजा वीरभद्र सिंह जी बुशहर वंश के राजा बन गए। सोचिए दोस्तों, कितना कठिन रहा होगा ये संघर्ष, जिस पर बीती है केवल वही जानता है। लेकिन ये भी सच है दोस्तों, जो मुसीबतों से हार ना माने वही सच्चा योद्धा कहलाता है। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा देहरादून के कर्नल ब्राउनी स्कूल तथा बिशप कॉटन स्कूल शिमला से प्राप्त की। तत्पश्चात दिल्ली के महाविद्यालय सेंट स्टीफन से बीए ऑनर्स और एमए की परीक्षा इतिहास विषय को लेकर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। शायद राजा जी भी ये बात जानते थे कि कोई भी रिश्ता कभी भी गुम हो सकता है, केवल शिक्षा ही है जो मरते दम तक आपका साथ देती है। और अपने जीते जी उस ज्ञान को जितना बांटा जाए वो उतना ही बढ़ता जाता है। और हम लोग जो राजा जी से इतना प्रेम करते हैं, उनकी सीख हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाती है। कहते हैं दोस्तों, जो रिश्ता तोड़े से नहीं टूटता और छोड़े से नहीं छूटता, वह रिश्ता विवाह का कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, विवाह का कहलाता है, एक अटूट बंधन। दोस्तों, हमारे राजा जी का विवाह 2 जून 1954 को जुब्बल के राजा दिग्विजय चंद्र की सुपुत्री रतन कुमारी से हुआ, जिसकी मुस्कान परियों से भी खूबसूरत थी। पर कहते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों रतन कुमारी के निधन के उपरांत वर्ष 1984 में राजा वीरभद्र सिंह जी का विवाह जुन्गा की राजकुमारी प्रतिभा सिंह जी के साथ हुआ। अपने शब्दों में राजा जी के दिल का हाल
मैं कुछ इस तरह बयान करना चाहूंगी। तेरी मोहब्बत का साया हर पल साथ रहेगा, तेरी मोहब्बत का साया हर पल साथ रहेगा, पर शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का जिसने मुझे तन्हा ना छोड़ दिया। सच ही कहा है किसी ने, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी हाँ दोस्तों, एक औरत का हाथ होता है, और मेरा हाथ तेरे हाथ में ला दिया, और तेरी मोहब्बत ने मुझे हर तरह की कामयाबी से, जी हाँ हर तरह की कामयाबी से रूबरू करवा दिया, रूबरू करवा दिया। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 15 अगस्त 1961 को श्री वीरभद्र सिंह जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और अंग्रेजी लिबास को छोड़कर खादी को धारण कर लिया। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी इस विकास पुरुष ने लगभग 5 दशक से समर्पण एवं निष्ठा से कार्य कर हिमाचल प्रदेश को अपनी दूरदर्शिता एवं दृढ़ निश्चय द्वारा तमाम बाधाओं से सफलतापूर्वक निकालकर खुशहाली और समृद्धि की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया है, जहां से आगे की राह समतल होने के साथ साथ और भी ज्यादा सुगम हो गई है। कुछ कहना चाहूंगी, बहुत ही बहुचर्चित सीडी कांड का जो आरोप राजा जी पर जबरन उछाला गया था, उसे लेकर चंद शब्द आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। भ्रष्ट रहित निर्दोष अच्छी छवि वालों को, जी हाँ दोस्तों, भ्रष्ट रहित निर्दोष अच्छी छवि वालों को बनावटी आरोप जबरन बनाए जाते हैं। सच तो सच है, सच तो सच है, और सच ही उभरेगा। सच्चाई को अपनाने वालों के वो आरोप अपने आप हटाए जाते हैं, अपने आप हटाए जाते हैं। कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पर लिखेंगे हम फिर से नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। राजा जी का राजनीतिक जीवन बहुत ही बेपाक और बेदाग है। राजा वीरभद्र सिंह जी को राष्ट्रीय स्तर पर देश के शीर्ष नेताओं जैसे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी तथा सोनिया गांधी जैसे दिग्गज नेताओं के साथ कार्य करने का अवसर मिला, तथा यही मार्ग उनके राजनीतिक जीवन को शिखर तक ले जाने में प्रेरणा का स्रोत बना। वर्ष 1962 से वर्ष 1980 तक 4 बार ये लोकसभा के लिए चुने गए, तथा दिसंबर 1976 से मार्च 1977 तक केंद्र में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उपमंत्री भी रहे। वर्ष 1976 और 1977 में यूएनओ संघीय समिति के सदस्य बने। ए विनति सुनो भगवान, जुग जुग जीवे राजा।
राजा महान असारे राजा सा असारे राजा सा असारे राजा सा। वर्ष 1977 1979 और वर्ष 1980 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। सितंबर 1982 से अप्रैल 1983 तक केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री भी रहे। अपने शब्दों में इतना ही कहना चाहती हूँ राजा जी आपसे, कुलदेवी माँ भीमा काली जन्मभूमि सराहन है। पैतृक आंगन रामपुर बुशहर का शानदार दरबार है। जी हाँ दोस्तों, पैतृक आंगन रामपुर बुशहर का शानदार दरबार है। स्नेह मिला जनता का आपको छहबार है, आपको छहबार है। गुण गया ही माचरे सारे राजे से थारे जाना भीमा काले साधु मात मो बोला पूरो पूरो वरदाना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हिमाचल प्रदेश के इस धुरंधर राजनेता ने अपने जीवन कार्यकाल में अब तक 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सबसे पहली शपथ राजा वीरभद्र सिंह जी ने 8 अप्रैल 1983 को तत्कालीन राज्यपाल श्री एएन बनर्जी की उपस्थिति में ली थी। दूसरी शपथ 8 मार्च 1985 को तत्कालीन राज्यपाल श्री होकिशे सेमा की उपस्थिति में ली थी। तीसरी शपथ 3 दिसंबर 1993 को तत्कालीन राज्यपाल श्री सुरेंद्र नाथ जी की उपस्थिति में ली थी। चौथी शपथ 5 मार्च 1998 को तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती रमा देवी जी की उपस्थिति में ली थी। पांचवी शपथ 6 मार्च 2003 को तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर सूरज भान जी की उपस्थिति में ली थी। दोस्तों, ये बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि छठी शपथ हाल ही में हमारे आपके और हम सबके प्यारे राजा जी ने 25 दिसंबर 2012 को राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह जी की उपस्थिति में ली थी। वह दिन जीजस के जन्मदिन के साथ साथ राजा जी के राजनीतिक इतिहास का एक और महान दिन बन गया। राजा साहब के सम्मान में कहे जाने वाले शब्दों का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, ये तो सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात हो गई। इसलिए अंत में जाते जाते मैं सारिका चौहान आप सभी से इतना कहना चाहूंगी, भावनाओं को शब्दों में बयान किया नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, भावनाओं को शब्दों में बयान किया नहीं जाता। ये प्यार है डॉक्टर कपिल शर्मा जी का। जी हाँ, डॉक्टर कपिल शर्मा जी का बुशहर की जनता की तरफ से, जिसका आदर किए बिना अब तो रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। जुगा जुगा ले छोटा सा कबूल कीजिए दिल से, तोहफा है छोटा सा कबूल कीजिए दिल से, कल मिले थे आज मिले हैं आपसे। जी हाँ राजा जी, कल मिले थे आज मिले हैं आपसे।
बस आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। इसी तरह सदा मिलते रहेंगे आपसे, मिलते रहेंगे आपसे।